नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है टॉप 10 खबरों का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पे। सत्येंद्र जैन की रिहाई पर मनीष सिसोदिया बोले, खुशी की बात है, हमारा हीरो वापस आ गया। बसपा ने मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट से रिफाकत अल्लाह खान को बनाया उम्मीदवार। भारत ने लेबनान को भेजी मेडिकल सप्लाई। गुजरात राज्य परिवहन निगम ने दी गुड न्यूज, दिवाली पर घर जाने वालों को 3.75 लाख यात्रियों को मिलेगा लाभ। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में शगुन परिहार बोली, अनुच्छेद 370 वापस लाना संभव नहीं। राहुल गांधी आज पहुंचेंगे रांची, संविधान सम्मान समारोह का बनेंगे हिस्सा। स्वास्थ्य जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी बैठक आज। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, बलवाइयों की कुटाई और दंगाइयों की ठुकाई समाज की सुरक्षा के लिए जरूरी। यूपी उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने बुलाई बड़ी बैठक, सभी चुनाव वाले जिलों के प्रभारी मंत्री होंगे शामिल। पुतिन ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा वह रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान को लेकर चिंतित, हम उनके आभारी। फिलहाल के लिए टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।